आज हम अपने साथ एक ऐसी हस्ती के संगे बैठे जो छतरपुर जिला से हैं और इनने समाज सेवा के कार्य में और चित्रकूट में रह के इन्होंने जो जो काम करे और नमामि गंगे से जुड़ के जो एक जल शक्ति मंत्रालय को प्रोजेक्ट है उके लाने आप राष्ट्रीय संयोजक के तौर पे जो काम कर रहे आदि विषय ना लेके हम बात कर रहे हैं। हमारे बीच हैं अपने छतरपुर के यहाँ भरत पाठक जी। तो भरत पाठक जी आपको बहुत बहुत राम राम बधाई शुभकामनाएं। आप ये काम कर रहे हैं जिला से हैं आप हमारे छतरपुर जिला से हैं तो हमें जो बताओ आपकी आपको जो समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे कैसे रुझान हुआ कि मतलब आप बचपन से चित्रकूट चले गए। नहीं हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और हम विद्यार्थी परिषद के काम में छतरपुर में थे। यहाँ पर महाकौशल प्रांत के प्रांत मंत्री थे और उस समय महाराजा कॉलेज में हम पढ़ाते भी थे हिंदी विषय। तभी नानाजी देशमुख जी अपने चित्रकूट आए और उन्होंने ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना वहाँ पर की। तो हमारे सामने यहाँ के महाकौशल प्रांत के प्रांत संघ चालक पंडित श्रीनिवास जी शुक्ला और उस समय की लोकसभा की सांसद उमा भारती जी और माननीय नेवालकर साहब, ये तीनों लोगों ने हमें बुलाया अपने घर पे और हमसे कहा कि नानाजी देशमुख जी एक चित्रकूट में एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं और हमारा भी उसमें कुछ सहयोग योगदान होना चाहिए। आपने अच्छी पढ़ाई की है और आप इस काम में अगर जाएंगे तो जो काम होगा उसको सीख करके आप बुंदेलखंड के लिए उसका काम कर सकते हो, उससे बुंदेलखंड को भलो हुआ और जो जो काम होते चल रहे हैं वे सब सीख के आ जाओ तो अच्छो रहे। तो हम चले गए। अब आप इसके बाद नमामि गंगे से जुड़ गए, ये आप राष्ट्रीय संयोजक भी हैं तो कैसे चल रहे हो काम और जो कैसे का है कौन तरीके से आप यहाँ संपूर्णता की ओर ले जा रहे हैं और इसे क्या क्या लाभ हुए हमारे देश या हमारे क्षेत्र। लगातार चित्रकूट के जो काम करवे के अपने अनुभव थे उनमें जल संचय का काम जल संरक्षण को काम पहले भी करवा थे और खेती पानी रोजगार पढ़ाई दवाई ये सब नाना जी से सब काम सीखो और उनके काम के बाद में फिर सरकार ने हमारी उपयोगिता होते सोची तो जब उमा भारती जी मंत्री अति गंगा मंत्रालय की फिर गडकरी जी मंत्रालय में थे तो उन्होंने कहा कि सरकार और समाज को जोड़ने का एक हमने एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है गंगा विचार मंच तो उनकी जिम्मेवारी देखो और जो 5 राज्य हैं और जो गाँव हैं गंगा जी के किनारे तो उन गाँवों में जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो गंगा जी की निर्मलता विरलता के लिए काम करें और नदी में किसी प्रकार की गंदगी न जाए और जो देश भर में गंगा जी के प्रति श्रद्धा है वो श्रद्धा भी बनी रहे। तो सरकार की जो योजनाएं हैं वे गांव-गांव तक गंगा जी के किनारे जो गांव हैं जो शहर हैं तो सरकार की जो योजनाएं हैं वे ठीक ढंग से गंगा विचार मंच के माध्यम से पहुँचें। जो गंगा विचार मंच काम कर रहा है जब से मंत्रालय बना तो जो गंगा मंत्रालय को होगा गंगा विकास मंच को होगा जो तो ठीक है अच्छी बात है नमामि गंगे की योजना हो गई। अब हम अपने बुंदेलखंड में अपन अगर देखें तो जो पानी की समस्या है सिंचाई की समस्या है तो इस समस्या लेके का कोनो बुंदेलखंड में भी कछु ऐसे आपके हिसाब से संभावनाएं हैं जो करी जा सकती। अपनी जीवनदायिनी माँ गंगा है और गंगा जी की जो सहायक नदियाँ हैं तो यमुना है और यमुना जी की सहायक नदी में केन है, केन बेतवा धसान ये सभी नदियाँ यमुना जी के माध्यम से और गंगा जी में मिलती हैं तो गंगा जी का ही काम है, वो गंगा जी की सहायक नदियाँ हैं। तो अपने यहाँ पे एक तो नदियों का संरक्षण नदियों की निर्मलता अविरलता पर भी काम उस मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से भी हुए और दूसरा जो है कि हम जो खेत को पानी खेत में और गाँव को पानी गाँव में जो अगर हमने शुरू कर दो जो हमने चित्रकूट में करो तो 35,000 हेक्टेयर में 17 गाँव में बुंदेलखंड को क्षेत्र है ऐसा ही पानी बरसत इतना ही पानी बरसत। तो अगर हम अपने इलाके में अपने क्षेत्र में भी खेत को पानी खेत में गांव को पानी गांव में अगर रोकन लगें तो फिर पानी की समस्या का समाधान हो सके। आप नाना जी देशमुख संगे काफ़ी समय रहे चित्रकूट में काफ़ी कछु विकास भाव उनके सानिध्य में आपने का ऐसो सीखो और उनसे का प्रेरणा ली आपने और ऐसी कछु उनके स्मरण हों कछु बहुत अच्छी बातें हों तो। नाना जी देशमुख जी सामाजिक जिनको राष्ट्र ऋषि कहा अभी भारत रत्न उनको मिला तो उनकी विशेषताएं यही थी कि वो किसी भी विषय के विशेषज्ञ थे। जो भी गांव के लिए पिछड़े उपेक्षित बंधुओं के लिए जो ज़रूरत होती है गांव गरीब की उसको खुशहाल बनाने के लिए वो सब काम वो स्वयं भी करते थे और हम लोगों से भी करवाते थे और उनके लाने देश दुनिया से विशेषज्ञ ढूंढ ढूंढ लाते और फिर हम उन्हें सिखाते फिर हमारे गाँव वालों ने सिखाते तो ऐसी एक श्रृंखला बन गई विशेषज्ञ संस्था और गाँव वाले तीनों जन ने मिलकर सरकार और गाँव वाले ने मिलकर और को स्वावलंबी बना दो
और वैसे ही बुंदेलखंड में हो सकत, वही मॉडल अगर हम लेके करें तो बुंदेलखंड भी खुशहाल बन सकत। अंतिम सवाल, आज आप अंतर्राष्ट्रीय योगा कॉन्फ्रेंस में आए खजुराहो में, जो कि आयोजित है, सुन रहे कि हर साल हुए, तो आपका का कैसे लगो ये आयोजन से और कैसी संभावनाएं दिखती हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय योग की जो कार्यशाला भाई, तो जो हम उन्होंने जानबूझ के तो इसे करवाओ विवेकानंद विश्वविद्यालय के सहयोग से, कि खजुराहो में जो धारणा है दुनिया की देश की, तो मंदिरन में योग में भी ज्ञान भक्ति कर्म इका लेके आगे बढ़ो जाए और अपनी खजुराहो की पहचान विशेष रूप से योग के लाने बनाई जाए। और योग के जानकार भी अपने खजुराहो में बहुत हैं, जो देश दुनिया में जा के योग सिखा रहे हैं, तो उनको भी लाभ मिले और हमारे इतने जो आए लोग सीख भी आए हैं, तो इतने खुशहाली भी आए हैं और इतने देश दुनिया के लोग सीख भी आए हैं, तो इतने की उन्नति हुए। सो जी हते हमारे संगे आज भैया हमारे छतरपुर के भरत पाठक जी, जो कि नमामि गंगे और गंगा विचार समिति के गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक हते। आज हमारी इनसे बात भई। सो खजुराहो से हम भरत पाठक जी के साथ राजीव शुक्ला, धन्यवाद, जय राम जी की। राम राम भैया, राम राम।